सो गाइस अभी ना थोड़े दिन पहले मैं करेले लेकर आई थी, ठीक है। तो अभी मैंने देखा, मैंने बनाया नहीं था करेले, मैंने सोचा था बाद में बनाऊंगी आराम से। तो अभी मैंने देखा करेला अपने आप ना पड़ा पड़ा ये ऐसे हो गया। मैं कहूंगी ये आम सा क्या है, और इसके अंदर पता नहीं है चेरी जैसे दिखने वाली क्या है। ये तो पहली बार लाइफ में मैं देख रही हूँ यार। हाँ राजवीर, फट गई, अजीब सा पहली बार देख रही हूँ। ये क्या है, अंदर से छोटी छोटी सी ये चेरी कैसे निकल रही है, बेरीज जैसी है ना। ये पूरा के पूरा ना पीला हो गया यार, येलो अजीब सा। मैं सोचू पहले शिमला मिर्च से पता नहीं क्या पड़ा है, ये खराब हो गए हैं। तो गाइस बताना, ये करेला ऐसे कभी होता है क्या? मैंने तो इससे पहले कभी भी नहीं देखा कि ऐसा हो जाता है करेला। आज ही पता लग रहा है मुझे तो, लाइफ में पहली बार, बचपन से नहीं देखा मैंने ऐसे कभी भी करेला। पीले हो गए मुझे लगता है, अब तो फेंक ही देने चाहिए। है राजवीर, शिमला मिर्च भी तुम्हारी खराब होगी बड़ी जल्दी। बीन्स अलग करती हूँ फिर मैं। Everyone, welcome back to our new vlog. So, जी, बहुत ही दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहे हैं। आपको तो लगा होगा पिछला टाइटल डाल दिया था कि नेक्स्ट वीक और ये व्लॉग भी आने, आपको लगा होगा तभी करना गए नहीं। फिलहाल तो हम यहीं पे हैं, थोड़े काम काज में बिजी थे, और अभी बस मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ बैंक के काम से, और गाड़ी में भी तेल डलवाना है। दूसरा बाइक पे तेल खत्म हो चुका है, एक्चुअली छटके मारने लगी थी बाइक खत्म थोड़ी बार, बट मैं बाइक यही निकालता हूँ बस आस पड़ोस में जाने के लिए। तो पेट्रोल पंप पर जाने की उम्मीद नहीं, इसलिए ये डल ले लिया मैंने बोतल सामने की, इसमें बाइक का तेल डलवा रहा हूँ और अपनी गाड़ी भी तो डलवा रही है। तो आगे काम निपटाते हैं पहले। हॉस्टेल मानसून आ चुका है, लेकिन अभी भी गर्मी से बुरा हाल है भाई। टू मच धूप, टू मच गर्मी एंड टू मच ह्यूमिडिटी। पहुंच गए अपनी बैंक, गर्मी बहुत है, अपना काम निपटा लेते हैं पहले। तो अभी पेट्रोल पंप पहुंचे हैं भाई, देखते हैं पेट्रोल देते हैं। बोतल में कई बार मना भी कर देते हैं, बट फिर कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। लो जी, डलवा लिया डीजल, लेकिन पेट्रोल देने से कर दिया मना। और पता नहीं सेंस से मेरे को समझ में नहीं आया, वो कहते हैं पेट्रोल बोतल में नहीं देंगे, कैन लेके आओ, कैन में देंगे। भाई क्या मतलब है, जब मैं बोल रहा था कि मेरे को सिर्फ बाइक में डालना है, सिर्फ डाल के नहीं पेट्रोल पंप तक चली जाए वो, तो उसमें वहाँ पे करवा लूंगा, फिर भी कहते डीजल जितना मर्जी ले जाऊँ। पता नहीं क्या, या तो इनको खुद को नहीं पता होगा क्या है क्या नहीं है, अजीब सही समझ ही नहीं आया मेरे को तो। डीजल जितना मर्जी, पेट्रोल देंगे नहीं पेट्रोल देंगे, तो कैन लेके आओ। उसके लिए कैन मैंने कौन सा कुछ ट्रक में भरना है कि मैं इतनी बड़ी कैन लेके आऊँ। तो देखते हैं किसी और पेट्रोल पंप पे शाम वगैरह को जाके देखेंगे क्या होता है, अदरवाइज फिर मेरे को भी नहीं पता क्या करेंगे, क्योंकि बाइक पेट्रोल है, गाड़ी डीजल है। अदरवाइज ये भी थोड़ा हो सकता था कि इसमें से निकाल के कर लूँ, बट फिर वही चक्कर है, घर के पास दूसरी साइड है, लेकिन फिर वही है रिजर्व वगैरह। हाँ यार, रॉयल इनफील्ड की एक बात मैंने देखी है, जो बाइक ली है इसकी जो पेट्रोल की जो इंडिकेशन होता है, जो फ्यूल दिखाता है कितना है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब है भाई। ये मतलब उसकी एक्यूरेसी पे कोई बंदा भरोसा ही नहीं कर सकता कितना है कितना नहीं। टैंकी फुल भी हो जाएगी ना, आज फुल कराई तो कल फिर से ब्लिंक करने लग जाएगी, फिर उसके बाद रिजर्व में कब आ रही है, कब जाना डाली गई है, वो भी नहीं पता चलता उस पर। तो ये थोड़ी सी इसकी दिक्कत है। और ये मैंने देखा है कि पहले भी जो बुलेट आती थी उसमें तो शायद फ्यूल का इंडिकेटर ही नहीं होता था, तो ये थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, एवरेज तो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मैंने बहुत दो तीन महीने पहले तेल डलवाया था, उसके बाद से यहीं आस पड़ोस में निकला हूँ, ज़्यादा कोई लंबे रूट पे तो निकला नहीं। बट अब देखते हैं इस चीज़ का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अरे यार, ये हरियाणा रोड भी इसका भी इधर कभी उधर भाई, इनसे बस इनसे बच के चलना पड़ता है। और ये देखो, ये इधर बन रहा है फ्लाई ओवर, जो उधर आधा बन चुका है, ये वाला बनेगा पूरा कनेक्ट रहेगा, फिर जो उन्होंने सीधा अम्बाला जाना है उस सीधा ऊपर से निकलेंगे, वो फुली नीचे का ट्रैफिक सारा ख़त्म हो और बंद हो, क्योंकि हमें जो अपने घर के लिए मुड़ना पड़ता है ना, वहाँ से बिल्कुल वो हो जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। अगर एक जब स्कूल के खासकर बच्चों की छुट्टी होती है ना, बसें ही बसें लगी होती है लाइन में। सो गाइस, अभी मंगवाया है स्विगी से सामान, मशरूम ब्रेड, और आज मैंने ना नए टाइप का ब्रेड मंगाया, पहले कभी नहीं खाया, गार्लिक ब्रेड है, फ्रेश बेक गार्लिक ब्रेड ना, फ्राई करके देखेंगे, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल सैंडविच, बहुत टेस्टी वाले। और यार आज मंगवाया है, वैसे मैंने बहुत टाइम पहले ही मैंने मतलब खाया था मुंबई में, सो अभी मैं इतने टाइम के बाद मैंने मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा यार चलो इसे मंगवाया जाए एवोकाडो को।
तो ये मंगवाया, इसका बनाऊंगी मैं टोस्ट और देखेंगे यार कैसा लगता है। बहुत टाइम हो गया इसे खाए हुए, अभी दिख रहा था स्विगी पे तो सोचा कि यार कर लेते हैं। कैप्सिकम भी मंगाई है, जुकीनी जो भी है, लेटस, सारा कुछ। बढ़िया सा सैंडविच बनाऊंगी और ये पनीर, पनीर की ना अच्छे से आज, मतलब वैसे तो ऐसे खाने में मजा नहीं आता पनीर बिल्कुल भी, तो इस पनीर की बनाऊंगी मैं चीज। ये हाफ पनीर जो है, इस हाफ पनीर की बनाएंगे चीज। इसको ना मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है एंड थ्री में मतलब वो डालूंगी लहसुन के पीसेस। वो पैनी करने रखा है यार, मिट में हो जाएगा। ये रहा लहसुन, पहले इसको छीलते हैं, देन फटाफट से इसके अंदर डालते हैं। और गाइस इसके अंदर डाल दिया है मैंने ना लहसुन, इसके अंदर डाल दूंगी एक छोटा चम्मच नमक का। अब इसे कर देंगे ग्राइंड। अभी तो अभी नहीं बना, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। सो गाइस इधर सारी की सारी वेजेस कट कर रही हूँ अभी मैं। मैंने प्याज, कैप्सिकम एंड मशरूम्स कट कर दिए, और मशरूम तो यार मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है। राजवीर को तो इतना खास पसंद है नहीं मशरूम, तो मैं खा लूंगी सैंडविच में से मशरूम निकाल के। तो अभी मैं ना ये सोटे कर दूंगी, इसको थोड़ा सा ही करना है, फिर उसके बाद हमारा मेन बनेगा सैंडविच। एंड ये मैं अभी थोड़ी देर में करती हूँ, पहले मैं अपना टेस्ट थोड़ा अच्छे से बना लूँ। जो पनीर का था वो अभी थोड़ा सा रह गया है, मैंने कहा पहले ये कर लेती हूँ, वो फिर एकदम से ना गर्म हो जाता है, इस वजह से मैंने किया है, खूब वूप ना जाए। और मशरूम मैंने थोड़े से ही काटे, ज़्यादा नहीं, बाकी मैं कल के लिए रख ली हूँ। सो गाइस चीज़ जो है वो रेडी हो चुका है, ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा ना टेस्टी लगता है। आप इसे सीधा टोस्ट पे लगा के खा सकते हैं विदाउट सॉसेस, ये विदाउट सॉस इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत सही काम करता है यार ये। और अभी ना मैं वेजेस जो है करने लगी हूँ, इनको थोड़ी देर ही करेंगे, ऑलिव ऑयल के अंदर ही करूँगी। अरे थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, मैंने देखा था एक वीडियो में कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है तब काटना चाहिए, तो अभी पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ। सॉफ्ट तो पता नहीं अभी कब तक होगा, कहीं मुझे रखना ना पड़ जाए, इसे कल ना यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन इसके भी इसे भी कर ही लूँगी यार, अभी देखते हैं। सॉफ्ट तो लग नहीं रहा मुझे वो कर दूँ बिल्कुल भी, और थोड़ा सा ही ऑयल डालूंगी यार, ज़्यादा नहीं डालना है। जाएगी काली मिर्च, अरे यार हाथ चिकने मतलब। एक्चुअली ना बेल पेपर वगैरह भी डालना था, लेकिन वो ना अभी मिल नहीं रहा था, फिर से भी रखी सब कैप्सिकम को ध्यान से लाना पड़ेगा। सो गाइस ये तो हो रहा है, तब तक मैं सोच रही हूँ इसे काटूं। अच्छे से ना मैश करना है एंड इसके अंदर मैं ऐड करूंगी फिर नमक, और इसके अंदर वैसे प्याज टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, चिकन मैं वो भी कर ही दूंगी या प्याज टमाटर, क्योंकि वो सैंडविच में वो डालूंगी, फिर इसके साथ हम लोग लेते हैं कैसा लगेगा राजवीर को। अभी तो मुझे बिल्कुल ही टेस्टलेस सा लग रहा है।
तो गाइस मैंने तो ना उसमें मैश करी थी, ये तो हो ही नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सा हार्ड था एक्चुअली ना। इसको ना थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए रख देना चाहिए जब ये हार्ड हो तो, मैंने वीडियो में देखा था। एंड मैंने अभी ना इस टॉपर के अंदर डाल के ना मैश कर दिया और इसके अंदर डाल दिया प्याज, टमाटर और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च एंड आधा नींबू डाला है ना। तो अभी तो देखते हैं कैसा है, बट ठीक है यार, अलग सा पेस्ट तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी इसको खा लेंगे फिर उसके साथ सैंडविच के साथ। बाकी तो ये तो जो मैंने बनाई ये चीज, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, ये तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। चीज जो है ना पनीर वगैरह की, हेल्दी सैंडविच बन जाएगा इससे। चलो गाइस अभी गैस तवा मेरा हो रखा है पूरा की पूरा गर्म दोस्तों। तो पहले अच्छे से ना ब्रेड वगैरह को अच्छे से मैं गर्म कर लेती ना। बटर भी आप यूज कर सकते हो गर्म करने के लिए, बट अभी बटर तो है नहीं, तो पहले मैं इसे अच्छे से ना इसी को टोस्ट अच्छे से टोस्ट कर दूंगी करारा करारा सा। मैंने एक बार बनाए थे ये वाले, नहीं मतलब तो एवोकाडो वाला, तो फर्स्ट टाइम मैं इसे खा रही हूँ यहाँ पे। तो अभी इससे पहले मैंने एक बार सैंडविच बनाए थे पनीर वाली चीज वाले, क्या टेस्टी बने थे। वो ब्रेड ना दूसरा टोस्ट वाला ब्रेड था, वो सब्जी वाला जो होता है ना वो वाला सब था, वो अभी मिला नहीं, तो इस वजह से मुझे यही वाले ब्रेड करने पड़े ऑर्डर। अब इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है ब्रेड पर, जस्ट ये लगानी है चीज। सो जी अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, अभी इसके अंदर डालेंगे ये वेजेस। ये तोड़ मरोड़ के लेट्स को भी डाल देंगे इसी के अंदर ही। ये जी कर दिया बंद अच्छे से। अब इसे ऐसे भी खा सकते हो एंड इसे सेक भी सकते हो, बट मैं थोड़ा थोड़ा सा इसे सेक ली अभी। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो ये हमसे आ ही रहा है। बहुत टेस्टी बनी है ये चीज। ठीक है, सो ये देख लो तुम इसे, इसे देख इसे, और तुम्हें पता नहीं सॉस अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तुम है महंगे वाला एवोकाडो ये रहा, इसमें है चॉपर में, तो वो नहीं लगा रहे क्या? वो नहीं लगाया इसपे मैंने, वो तो फिर यार अजीब। वो साथ में खा भी सकते हैं, उसको जरूरी नहीं है कि टोस्ट पे लगाना। एक पे लगा देती हूँ, टेस्ट तो तुम करके देखो, मुझे तो टेस्ट लेस लगा। वो नमक मिर्च लगा इसमें, डाले नमक भी डाले, मिर्च भी डाली, प्याज टमाटर भी डाले, ऐसे ही होता है, बट ना अलग से ही है थोड़ा सा ना, देखना कम है कुछ। तो लगेगा एक बार तो खाया मैंने, ये सॉस की तरह यूज कर सकते हो खाने के लिए साथ में। अच्छा लग रहा है पक्का है, महंगी चीज अच्छी है। बट हाँ ये देखो ये तो हो गए, वो प्लेट तो दी नहीं लेकिन ये खा के बता दो सैंडविच कैसा है, दूसरे वाले उठा लो और ये खा के बता दो कैसा है इस हेल्दी सैंडविच। सब्जी बताओ टेस्टी है सैंडविच, बहुत ज्यादा। सो गाइस राजवीर, हाँ बंद कर दिया था विंडो। सो गाइस राजवीर को तो अच्छा लगा है सैंडविच और मुझे तो बहुत पसंद है। पहले जब मैंने बनाया था तब नहीं खाया था ना तुमने, उस टाइम पे ये सब्वे के अंदर सब वाले जो ब्रेड होते ना उसके अंदर, तो ये और भी ज्यादा टेस्टी लगता है यार, बहुत ज्यादा। सो गाइस अभी मैं बनाती हूँ सैंडविच और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यार, अभी पसीने आ गए, फैन वैन है नहीं यहाँ पे और हॉल से हवा यहाँ तक आती नहीं है क्योंकि विंडो वगैरह भी बंद कर रखी है, इसलिए बहुत ज्यादा यू नो किचन में थोड़ा सा भी काम करो तो एकदम से गर्मी बहुत ज्यादा लगने लग जाती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।